स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अजमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 पेपर लीक मामला, आरपीएससी ने मामले में लिया है बड़ा एक्शन। पेपर लीक में आरोपी आयोग के वाहन चालक को किया बर्खास्त, आरोपी वाहन चालक गोपाल सिंह राजकीय सेवा से बर्खास्त। बर्खास्त गोपाल सिंह पेपर लीक के आरोपी अनिल मीणा के संपर्क में था, विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर हुई कार्यवाही। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस मामले में लगातार कार्यवाही देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिजीत दवे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है इस कार्यवाही पर? आज देखिए 24 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का पेपर सामान्य ज्ञान का जो लीक हुआ था, उस मामले में जो जांच चली थी उसमें आरपीएससी के जो ड्राइवर है गोपाल सिंह उसको जो है गिरफ्तार किया गया था। आरपीएससी के उस समय के तत्कालीन जो सदस्य थे वो भी इसमें गिरफ्तार हुए थे और इस मामले में विभागीय जांच चली थी। विभागीय जांच में जो वाहन चालक है आरपीएससी का उसको दोषी पाया गया है और दोष उसके ऊपर यह है कि जो आरपीएससी पेपर लीक का जो आरोपी था अनिल मीणा, इसके संपर्क में ही आरपीएससी का वाहन चालक था। और जब जब आरोपी अनिल मीणा अजमेर आया था वो उसके संपर्क में था और पेपर लीक की घटना से पूरी तरीके से वाकिफ था और राजकीय सेवा में रहते हुए जो कर्तव्य थे उन कर्तव्यों से विमुख होकर इसने जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। तो आज आरपीएससी ने इसको राजकीय सेवाओं से बर्खास्त करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। और आरोपी गोपाल सिंह जो है वो 2 मई 2013 से ही जो है जेल में बंद है और पूरे मामले की जांच एसओजी की ओर से की जा रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई आरपीएससी की ओर से की गई है और इस कार्रवाई के पीछे ये संदेश भी है कि आरपीएससी का कोई भी कार्मिक अगर इस मामले में दोषी लिप्त पाया जाएगा भविष्य में भी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अभिजीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।